नमस्कार दोस्तों, संगीता किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मालपुआ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि मालपुआ का हर एक स्टेप इम्पॉर्टेंट है। यदि एक भी स्टेप आपसे छूटे तो आपका मालपुआ ख़राब हो सकता है। पहले मैं कढ़ाई लेके गैस जला लेती हूँ। अब इसमें मैं इस कप से 2 कप दूध डालूंगी। ये लगभग 1/2 किलो दूध है, 500 ग्राम। अब इसे मैं चलाते हुए गाढ़ा कर लेती हूँ। मेरा दूध गाढ़ा हो रहा है तब तक मैं आपको सामग्री की जानकारी देते रही हूँ। तो मालपुआ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तो ये मैदा और चीनी। बिना और मैदा चीनी के तो मालपुआ बन ही नहीं सकता है। और फ्लेवर के लिए इलायची और बादाम और ये पिस्ता है और काजू है, ये केसर है। आपके पास काजू और केसर नहीं हो तो भी आप मालपुआ आराम से बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है। दूध गाढ़ा करते हुए हमें 20 से 25 मिनट लगा है। इतना ही आप दूध गाढ़ा कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि दूध हमारा ठंडा होके ये गाढ़ा हो गया है इस तरह से। अब इसी में मैं चीनी 1/2 कप डाल देती हूँ और काजू और बादाम को मैंने पीस लिया है, इसे भी इसमें डाल दे रही हूँ। अब एक मिक्सिंग बाउल में मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब मैं अच्छा तरह से इसे मिक्स कर लेती हूँ। ध्यान रहे कि गुठलियाँ नहीं रहना चाहिए इसमें। अब इसी के साथ इसमें मैं धीरे धीरे करके मैदा डाल दे रही हूँ। इसमें फिर थोड़ा थोड़ा दूध डाल के देखती हूँ। इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है। मैंने जिस कप से मैदा लिया है उससे 1/2 भाग ही हम दूध लिए हैं। जैसे कि 240 ग्राम का हमारा कप था मैदा के लिए, तो हमने 120 ml का दूध का कप लिए हैं, तो उससे मुझे 1.5 कप के लगभग इसमें दूध लग गया है। आप चाहे तो पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध में और भी अच्छा टेस्ट आता है। इसमें आप बनाना भी ऐड कर सकते हैं। मैं बनाना नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि बनाना मुझे पसंद नहीं है। आपको इतना ही गाढ़ा जो है सो खोल रखना है, ना इससे ज्यादा पतला करना है और ना ही गाढ़ा करना है। एकदम इतना ही गाढ़ा रखिएगा तो आपका मालपुआ अच्छा बनेगा। इसे ढक के 15 मिनट के लिए आराम करने के लिए रख दे रही हूँ। अब मैं चाशनी की तरफ चलती हूँ। 1 कप मैंने चाशनी के लिए चीनी ले ली हूँ और इसी कप से 1/2 कप पानी डालूंगी। अब इसे चीनी पिघलने तक मैं इसी तरह से चलाते हुए इसको चाशनी बनाऊंगी। चीनी जब पिघलाइएगा चाशनी के लिए तो हमेशा चलाते हुए रहिएगा।
आप देख सकते हैं कि हमारा चीनी पूरा अच्छी तरह से पिघल चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा इलायची डाल दे रही हूँ फ्लेवर के लिए, और थोड़ा सा केसर के धागे। अब इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब हमारा चाशनी तैयार हो गया है। इसमें कोई एक तार या दो तार बनाने की जरूरत नहीं है, बस चीनी पिघले और इसे आपको हटा देना। दूसरी बर्तन ले ली हूँ मालपुआ को फ्राई करने के लिए, तो इसमें मैं सबसे पहले ऑयल डाल दे रही हूँ। पूरा फ्राई करने के टाइम ध्यान देना होगा कि ना ही तेज फ्लेम हो और ना ही धीमी हो, मीडियम फ्लेम पे ही आप मालपुआ को फ्राई कीजिएगा। और इस तरह से आपको ठंडा में ही डालना है, ज़्यादा गर्म में नहीं डालना है। एक साथ मैं दो तीन फ्राई कर दे रही हूँ। मालपुआ को बिल्कुल सावधानी से पलटिएगा, नहीं तो ये टूट सकता है। और इस तरह से गरम गरम तेल मालपुआ पे उछाल के इसको पकाइएगा, तो आपका मालपुआ अच्छा से पकेगा। फ्राई करते हुए हमें 6 से 7 मिनट लग गया है, ये हल्का ब्राउन कलर हो गया है। अब लगभग हमारा मालपुआ बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। निकालने के लिए मैंने एक टिश्यू पेपर एक प्लेट में डाल दी हूँ, ताकि इसका जो वाइल है उसे एडजस्ट कर ले। जब आपका मालपुआ इस तरह से सुनहरा कलर हो जाए तब आप निकाल लीजिएगा। इसी तरह से हम सारे मालपुआ बना लेंगे। अब मैं चाशनी को ले रखी हूँ। चाशनी हमारा गर्म है, जब भी आप मालपुआ को चाशनी में डालिएगा तो इसको गरम में ही डालिएगा, ठंडा में डालिएगा तो अच्छा नहीं बनेगा। तो अब हम इसमें मालपुआ को डाल देते हैं। और इसे उलट के 10 मिनट तक इसी चाशनी में हम छोड़ देंगे। आप चाहे तो 1 घंटा या 2 घंटा भी रख सकते हैं, जितना ज़्यादा टाइम रखिएगा उतना ही अच्छा ये मालपुआ बनके तैयार होगा। आप देख सकते हैं कि हमारा मालपुआ बनके तैयार हो गया है और चाशनी अच्छी तरह से पी लिया है। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें, इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।